आदमी जहाँ कहीं भी जाते हैं तीन चीज़ें परस्यू करते हैं, पावर, प्रेस्टीज एंड स्टेटस। हम लोग अपने जैकेट में मेडल्स लगाना चाहते हैं, पिंस लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे नाम के आगे प्रेसिडेंट लगे, वाइस प्रेसिडेंट, या किसी कंपनी के पार्टनर हैं हम, ये लगे। हम चाहते हैं लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें और हमारी प्रेज करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है हैबिट। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट हैबिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू चेंज? यू थिंक शरीश पक्का, गरिमा बैड हैबिट्स ऑब्वियसली। तो फिर हम लोग ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हमारे अंदर में कौन सी बैड हैबिट्स हैं और हमने उनको कहाँ से ली है? जैसे अभी आप लोगों के अंदर में कोई बैड हैबिट है, लेट उठना है, जंक फूड खाते हैं, तो ही है, ताने खूब मारते हैं शीश को, बुक ले जाता हूँ, बुक नहीं पढ़ता, बुक्स पढ़ते नहीं हैं, यूट्यूब देखता हूँ। पांच बैड हैबिट्स हैं शीश आपके पास। इसके अलावा कोई बैड हैबिट है? रिपीट मत करिएगा, यूट्यूब तो आप भी देखते हैं, बाकी सब जैसे इनकी है वैसे आप ही है, आपकी चीज़ों को टालते रहना, ज़्यादा सोना। अच्छा, ये हैबिट्स आती कहाँ से? क्योंकि जहाँ से बैड हैबिट्स आती हैं वहीं से गुड हैबिट्स भी आएंगी। चलो मैं बताता हूँ, आज की क्लास का यही मुद्दा है। हमने पढ़ना शुरू किया था रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स, ठीक। उस पर हमने एक फैमिली के बारे में पढ़ा था, नाम याद है क्या नाम था? लाज़लो पोल्गर। और उनकी फैमिली में क्या खासियत थी? उनकी तीनों बेटियाँ चेस चैम्पियन बनी, याद है? और वो कैसे चेस चैम्पियन बनी? इमिटेटिंग द क्लोज। तीन चीज़ें होती हैं जब भी आप किसी भी कहीं पर भी रहते हैं, तीन तरीके से आप हैबिट सीखते हैं, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। तो हमने कल पढ़ा था इमिटेटिंग द क्लोज, जो भी हमारे आस पास है हम उनको इमिटेट करते हैं। आप जो लड़ाई कर रही थी या मैं जो आपको चिल्ला रहा था वो हम लोग इमिटेट करते हैं, हमारे आस पास के लोगों को कॉपी करते हैं, स्कूल्स में फ्रेंड्स को। इसकी रिसर्च हुई है। तो सबसे पहले तो इमिटेटिंग द क्लोज, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप इमिटेट करते हैं, ये हमने कल कवर कर लिया। नेक्स्ट है इमिटेटिंग द मैनी, इमिटेटिंग द मैनी। इसको सुनिए, 1950s में एक साइकोलॉजिस्ट थे सोलोमन एश, और उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जो पूरी दुनिया में सभी साइकोलॉजी की क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक क्लासरूम में कुछ अजनबी घुसते थे और ये जो नए नए लोग आए थे ये सब के सब किसी को पता नहीं था एक्टर्स हैं, और इनको सिखाया गया था जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अपना दिमाग मत लगाना, स्क्रिप्टेड आंसर्स देना, जो तुमको आंसर बोला गया है वो देना। ये ऐसा है जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपका नाम क्या है और मेरे सामने शीश खड़े हैं, लेकिन मुझे बता दिया गया है शीश नहीं बोलना है, मुझे कुछ और बोलना है, स्क्रिप्टेड आंसर्स। उस ग्रुप में एक तरफ आपको ये वाला कार्ड दिखाया जाएगा जिसमें कि एक लाइन बनी है, और दूसरा कार्ड दिखाया जाएगा जिसमें कि ढेर सारी लाइन्स हैं, दिख रहा है? काम बहुत आसान था। सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका कराया जाएगा, एक तरफ एक कार्ड जिसमें कि एक लाइन है, दूसरी तरफ एक कार्ड जिसमें तीन लाइन है, और जो कार्ड है उसमें लाइन्स दो लाइन तो दोनों की एक एक लाइन तो सेम है, लेकिन एक लाइन बड़ी होगी दूसरी वाली में और एक छोटी होगी, और इतना क्लियर डिफरेंस है कि कोई भी आदमी बोल देगा ये वाला जो लाइन है ये किसके बराबर है, सेम, आप जो बराबर है वो बोल देंगे। लेकिन कुछ देर बाद जो एक्टर्स हैं वो लोग जानबूझ के छोटे वाले को बोलेंगे ये इसके बराबर है, छोटी लाइन इस बड़ी लाइन के बराबर है, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, और जिसको पता नहीं ये सब पीछे से नाटक चल रहा है कि एक्टर्स बैठे हैं उसको लगेगा ये क्या है, ये छोटे वाले को बड़े के बराबर क्यों बोल रहे हैं, चार इंच की लाइन चार इंच के बराबर है, लेकिन दो इंच वाली को चार इंच के बराबर क्यों बोल रहे हैं, जिसको पता नहीं है उसकी आंखें देखेगी ध्यान से, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंखें खराब है, और अपने आप ही हंसेंगे, पागल है आदमी कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ करेंगे शीश, उसके बाद आसपास के लोगों को देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, और लोगों का रिएक्शन क्या है, और जब बगल में देख रहा है तो एक ने तो बोल दिया गलत आंसर, दूसरा भी गलत। अरे वो कहानी सुनी है आपने, एक पंडित जी अपने ऊपर बकरी लेके जा रहे थे, कुछ रास्ते गए, फिर एक आदमी बोलता है गधा लेकर क्यों चल रहे हो,
फिर एक और आदमी गधा, ये वही कहानी है यहाँ पे। और फिर इवेंचुअली ये आदमी जब एक को, दो को, तीन को, सबको देख रहा है कि भाई 2 इंच वाली को 4 इंच बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं ही कुछ गड़बड़ हूँ, तो वो भी वही आंसर देगा जो बाकी लोग दे रहे हैं, जबकि उसको पता है उसके अंदर में ये गलत है। ऐश ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार बहुत तरीकों से किया। उसने देखा अगर क्लास में एक्टर्स की गिनती बढ़ा दो तो लोग कन्फर्मिटी बढ़ जाती। कन्फर्मिटी मतलब कि वो आंसर सही है, गलत को सही मानना। पूरा बैंगलोर, पूरा बॉम्बे या जहाँ कहीं पर भी ग्रुप में लोग गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक्स्ट्रा मराइटल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब क्या है, ऐसा ही कुछ है। अगर वो अकेला एक आदमी है और सामने एक सब्जेक्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको लगता था यार ये पागल आदमी है, गलत आंसर दे रहा है, मेरे को सही आंसर बताया, बस एक ही आदमी है। और अगर 2 लोग हैं एक्टर तो भी इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन अगर कमरे में 3, 4, 8 लोग गलत को सही बोलेंगे, तब उसका खुद का सेकेंड गेस करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट के अंत तक 75% लोग गलत आंसर को सही बोल देते थे। जब भी हम लोग को श्योर नहीं होता है कि हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये करना सही है, क्लास में अरे मैडम आई है, ये उठ रहा है, वो उठ रहा है, मैं भी उठ जाता हूँ, होमवर्क किया नहीं किया, कौन कौन है, अपना बैग में से कॉपी निकालो, मैं उठूँ कि ना उठूँ, ये उठा, वो उठा, मैं भी उठ जाता हूँ। ये सेंटेंस याद रखिएगा, वेन एवर वी आर अनश्योर हाउ टू एक्ट वी लुक टू द ग्रुप टू गाइड आवर बिहेवियर। और ग्रुप आर द मोस्ट फूलिश पीपल, ग्रुप हैज़ नो माइंड, इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हम 2400 घंटे आसपास के लोगों को देखते हैं और वंडर करते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे गरिमा ने अनकॉन्शियसली बोला, कॉन्शियसली नहीं बोला, कि अजय भैया क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं। अगर ये चीज़ इसने मुझसे कभी कभी बोला हो, मान लो अखबार में आया हो कि अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन को लंदन भेजा, या मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को US भेजा पढ़ने के लिए, तो ये मेरे पास आएगी, बोलेगी बड़े पापा पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उनको देख करके ये एक तरह से इमिटेटिंग द क्लोज हो गई। हम 2400 घंटे अपनी बुद्धि नहीं लगाते, पूछते हैं व्हाट इज़ एवरीवन डूइंग। हम लोग अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ चेक करते हैं, येल्प पे, ट्रिप एडवाइज़र पे, हम जो भी लोग बेस्ट बाइक हैबिट्स हैं या ट्रैवल हैबिट्स हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं। अच्छा ये क्यों करते हैं, अगर मैं अमेज़ॉन पे किसी बुक की रिव्यू देखता हूँ, ढेर सारे रिव्यूज़ हैं, या हम लोग गए उदयपुर और वहाँ पर होटल नटराज की रिव्यू बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे याद है उसके एक दिन पहले रात को हमने किसी और होटल में खाना खाया था, खाना अच्छा नहीं था, और फिर होटल नटराज का देखा बहुत अच्छा रिव्यू था, वहाँ गए तो सही था। क्यों, क्योंकि ढेर सारे लोग जब किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं तो सही स्ट्रैटेजी है। नॉर्मली एक आदमी जो बिहेव करता है उससे अच्छा रहता है ग्रुप, ट्राइब। एक्सपेरिमेंट देखा गया कि चिंपैंजीज नट्स को क्रैक करते हैं, और जिस तरह से क्रैक करते हैं, अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, उसमें कम एफर्ट पड़ता है, लेकिन उसी चिंपैंजी को दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया और वहाँ पर वो लोग अजीबोगरीब तरीके से नट्स ब्रेक करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं, जो ज़्यादा मुश्किल तरीका है उससे नट क्रैक करते हैं। क्यों, ग्रुप का हिस्सा बनना है। इंसान भी चिंपैंजी जैसे हैं, हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रेशर होता है किसी ग्रुप के साथ, किसी नॉर्म के साथ कंप्लाई करना। अगर आप किसी के साथ बहस करोगे, बहस में जीत जाओगे तो क्या फ़ायदा, लेकिन जब उस ग्रुप के पार्ट बनोगे वो ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड है। आपको स्मार्ट दिखना है या ट्रूथ जानना है, भैया स्मार्ट दिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम हम लोग किसी ग्रुप के साथ, किसी क्राउड के साथ रॉन्ग रह करके वहाँ रहना पसंद करेंगे, बजाय अकेले रह करके सही होना। हम इंसानों का दिमाग ये जानता है कि दूसरों के साथ कैसे गेट अलॉन्ग किया जाता है, ह्यूमन माइंड चाहता है दूसरों के साथ गेट अलॉन्ग करना, ये हमारे ब्रेन का नेचुरल मोड है। लेकिन खुशखबरी ये है आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली चाहें तो आप ग्रुप को इग्नोर कर सकते हैं, और दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। आपका कल्चर जिस तरफ जा रहा है उसके अगेंस्ट जाने में आपको बड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। जब आप अपनी हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ट्राइब के अगेंस्ट जाकर चैलेंज कर रहे हैं। चेंज किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिसको आप चेंज करके किसी ट्राइब का, किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, तब आपके लिए चेंज अट्रैक्टिव हो जाती है। तो क्या करें, सबसे पहला हमने देखा इमिटेटिंग द क्लोज, आसपास के लोगों को इमिटेट करते हैं, जैसा कि गरिमा के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ हो रहा है। आप लोग मुझे इमिटेट करने की कोशिश करें। फिर आप ग्रुप में जाते हैं
उनका भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो है इमिटेटिंग द मैनी। अब थर्ड, ये कॉन्शियसली करिएगा, होता भी है बट और कॉन्शियसली करिएगा, इमिटेटिंग द पावरफुल। आदमी जहाँ कहीं भी जाते हैं तीन चीज़ें परस्यू करते हैं, पावर, प्रेस्टीज एंड स्टेटस। हम लोग अपने जैकेट में मेडल्स लगाना चाहते हैं, पिंस लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे नाम के आगे प्रेसिडेंट लगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, या किसी कंपनी के पार्टनर हैं हम, ये लगे। हम चाहते हैं लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें और हमारी प्रेज करें। ये देखने में बड़ी अजीब लगी कि क्या फ़ायदा, बट ये बड़ी स्मार्ट मूव है। इतिहास में देखा गया है बहुत सालों, लाखों साल से, जिस आदमी के पास ज़्यादा पावर थी, ज़्यादा स्टेटस थी, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसकी चिंताएं कम होती हैं कि वो सरवाइव कैसे करेगा, और उसके पास ज़्यादा अच्छे अच्छे सेक्सुअल मेट्स भी आते हैं, और हम ऐसे बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमको रिस्पेक्ट दिलाता है, अप्रूवल दिलाता है, एडमिरेशन, इज़्ज़त दिलाता है और स्टेटस दिलाता है। इसलिए व्हाट्सएप में हम क्या डालते हैं? स्टेटस। हम जिम में वो आदमी होना चाहते हैं जिसके मसल सबसे ज़्यादा हैं, या अगर म्यूजिशियन है तो हम वो वाला म्यूजिशियन होना चाहते हैं जो पागलों की तरह सबसे मुश्किल वाला चीज़ बजा सकता है, या उन पेरेंट्स की तरह जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमको आम आदमी से, क्राउड से अलग कर देते हैं। एक पे हम क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पर हम क्राउड से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि हम पावर चाहते हैं। पहले तो हम लोग क्राउड के अंदर फिट इन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि हम कैसे दिखाएं कि हम क्राउड से अलग हैं। सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं तो सिंगर हूँ। सब बैठे हैं, बड़ी शांति से बैठे हैं, मैं तो स्पिरिचुअल टीचर हूँ। सब बैठे हैं शांति से, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, मैं तो जोकर हूँ, कॉमेडियन हूँ। भैया, इसीलिए हम लोग इलॉन मस्क, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या जो कोई भी बहुत इफेक्टिव लोग हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। हम लोग सक्सेसफुल लोगों को बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सक्सेस को डिजायर करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता हम में से बहुत से लोगों की जो डेली हैबिट्स है वो उन लोगों की हैबिट है जिनको हम एडमायर करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, आज भी क्लियरली याद है, वो मेरे दिमाग से जाता ही नहीं, मैंने अपना शूज़ वुडलैंड खरीदा था बिकॉज ऑफ निरंजन शिंत्रे, और अपना बैग सोच रहा था जैनसपोर्ट खरीद लूँ, जैनसपोर्ट का बैग 2000 का था जबकि मेरे बैग 200-300 के आते थे, तथा वो ले लूँ किसी तरह से। वो स्मार्टेस्ट लड़का था क्लास का। हम लोग वो रेसिपी बनाने की कोशिश करते जो हमारा फेवरेट बेकर है। आप अपने फेवरेट राइटर से कॉपी करते हैं स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजी, आप अपने बॉस की स्टाइल कॉपी करते हैं, जैसे लोग स्टीव जॉब्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बिल गेट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम जिन लोगों को एनवी करते हैं, जिनसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन्हीं को इमिटेट करते हैं। जिनका स्टेटस बहुत हाई होता है उनको मिलता है अप्रूवल, उनको मिलता है रिस्पेक्ट और उनको मिलता है प्रेज सबका। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिहेवियर की वजह से अप्रूवल मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है और प्रेज मिल रहा है, तो हम उसी बिहेवियर को अट्रैक्टिव फील करते हैं, अट्रैक्टिव लगता है हमको। इसी के साथ साथ इसका उल्टा, अगर कोई बिहेवियर हमारा स्टेटस को लो करेगा तो हम उसको अनअट्रैक्टिव फील करते हैं। क्लास में अगर कोई हमारी किसी हरकत से, कोई अच्छी से अच्छी हरकत है लेकिन सारे के सारे बच्चे बोलेंगे बेकार है, तो हम उसको अनअट्रैक्टिव फील करते हैं। सबके घर के आगे गार्डन है और आपका गंदा है तो आप उसको ट्रिम करोगे बाकियों की वजह से। जब हमारी मदर हमारे घर पे आएंगी तो हम चाहते हैं हमारा घर साफ सुथरा कर दे, नहीं तो मम्मी जज करेगी। हम 24 घंटे ये सोचते रहते हैं कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और इसी हिसाब से हम अपने बिहेवियर को बदलते रहते हैं उस आंसर के हिसाब से। जो शुरू में इन तीन बहनों के बारे में मैंने स्टडी किया वो दिखाता है कि सोशल इम्पैक्ट कितना पावरफुल है। जो सिस्टर्स थीं वो चेस प्रैक्टिस करती थी कई कई घंटों दिन भर, और ये चीज़ वो दसियों साल तक करती रहीं। लेकिन ये इसलिए भी वो लोग करती रहीं क्योंकि इस कल्चर में लोग बोलते रहे यार चेस खेलती है, चेस खेलती है। एक तरफ पेरेंट्स का उनको रिस्पेक्ट मिलता था, दूसरी तरफ उनको दुनिया का स्टेटस मिलता था, ग्रैंड मास्टर वगैरह वगैरह। उसी की वजह से वो लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करती रहीं, अपनी मेहनत करती रहीं। तो फिर आपको कॉन्शियसली सर्च करना होगा किस टाइप के लोग हैं जिनका बिहेवियर आप कॉपी करना चाहते हैं। मेरा वो जो जूते कॉपी करना, जीन्स कॉपी करना या बैग कॉपी करना निहायत स्टूपिड था, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। आपका ब्रेन तो कॉपी करेगा ही करेगा, तो कम से कम उस हैबिट को कॉपी करो जो जेन्युइनली आपको स्टेटस, रिस्पेक्ट और प्रेज दिला सके। ये तो डीप है, हमने पढ़ा था मनी में, जैसे भैया ने बता रहे थे कि हमने ऑडी खरीदी, 80 लाख की गाड़ी खरीदी, उस समय उनके पास उतने पैसे थे नहीं, खरीद ली, उसकी वजह से उनको स्टेटस मिला नहीं, उनको लग रहा था कि स्टेटस मिला। आपको किस चीज़ से स्टेटस मिलता है ये आपको पूछना होगा। सोसाइटी में ध्यान से देखिए कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी कौन सी क्वालिटी है,
आज अगर सौरव जोशी के पास ढेर सारा कार है, पैसा है, बंगला है, तो वो उस कार, पैसे, बंगले की वजह से नहीं लाइट है, उसके मेहनत की वजह से लाइट है। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन एवरी डे विथ योर सेल्फ। खाली अनकॉन्शियसली कॉपी मत करिए।